तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप सिग्नल ऐप में कैसे आईडी बनाएंगे और कैसे उसे यूज़ करेंगे। बेसिकली सिग्नल ऐप एक मैसेंजर ऐप है जैसे कि व्हाट्सएप था। सिग्नल ऐप को यूज़ करने के लिए नॉर्मली आपको इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, नहीं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ से टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी को रीड कर लेने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से अलाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और कंट्री सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। और फिर यहाँ आपको 4 डिजिट का पिन सेट करना है। अब यहाँ आपको उसी पिन को एंटर करके कंफर्म करना है। अब यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है। यहाँ कैमरे के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से सेव कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो आपको इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना होगा और फिर यहाँ से आप किसी भी कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे आप मैसेज भेजना चाहते हैं। फ्रेंड्स आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर सभी फीचर्स व्हाट्सएप वाले हैं। और अगर आप कोई न्यू ग्रुप बनाना चाहते हैं तो अगेन आपको इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है और इस न्यू ग्रुप पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से आप कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें आप ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करके आप ग्रुप बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप अपनी किसी भी सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं या फिर एडिट करना चाहते हैं तो आपको इस प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है और आप यहाँ से ईजिली किसी भी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसमें किसी भी तरह का स्टेटस लगाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि इसमें अभी स्टेटस का ऑप्शन ऐड नहीं हुआ है। इन फ्यूचर अगर ये ऐप पॉपुलर हो जाता है तो शायद इसमें स्टेटस का ऑप्शन ऐड हो सकता है। तो दोस्तों यहीं तक थी ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और इसी तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।